सर 150 और इसको आज अपन लोग बनाने वाले हैं 220। मात्र 1500 रुपया में आशीष भाई आपको 220 बना के देंगे। दोस्तों तो ये देख लो, ये है बजाज पल्सर 150 BS6 वेरिएंट है, ट्विन डिस्क है और इसको आज अपन लोग बनाने वाले हैं 220। तो देख लो पूरा गाड़ी स्टॉक है, एकदम न्यू बाइक है, तो इसे अपन लोग करने वाले हैं 220 में कन्वर्ट। ये देखो इंजन का स्टिकर भी नहीं निकला है, तो फुल मॉडिफिकेशन का वीडियो देखिए और जिनको भी मॉडिफाई करना हो तो पटना घोल करके निकट ये आशीष भाई की शॉप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस भी दे दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं सर्विस के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए। तो फटाफट इसका जो फ्रंट का जो हेडलाइट असेंबली है उतारते हैं और 220 का जो असेंबली आता है फ्रंट का उसे इंस्टॉल करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. हाँ तो आशीष भाई साहब, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस वीडियो पे। और आज आपने क्या मॉडिफाई किया भाई? मैंने पल्सर 150 न्यू मॉडल वर्जन से BS6 को 220 का वाइजर लगाया इसमें। ओ 150 BS6 ट्विन डिस्क में आपने 220 का वाइजर लगाया है ना? हाँ, ये नया सब कुछ लगा। ये फ्रंट से देख लो भाई लोग, ये 220 का पूरा हेडलाइट सेटअप है, फेयरिंग वगैरह है। और जिस भाई की ये बाइक है उन्होंने अभी तुरंत इस पर स्टिकरिंग वर्क कराया है, तो आपने टाइम लैप्स पर देख ही लिया होगा इसका सेटिंग वगैरह कैसे किया है आशीष भाई ने। साइड बाय साइड लुक ले लो, ये देख लो, यहाँ से देखो फेडिंग किस प्रकार सेट किया गया है। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो मीटर वगैरह वही रखा गया, स्टॉक मीटर जो पल्सर 150 का आता है वही मीटर आशीष भाई इसमें है ना? हाँ, वही मीटर है। ये देखो ABS वाला, यहाँ पर आप लाइट देख रहे हो, ये BS6 150 ट्विन डिस्क है और ये ABS वेरिएंट है, देख सकते हो। इंजन वही आपको 150 सीसी का आपको एयर कूल्ड इंजन, BS6 इंजन, FI इंजन इसमें है। इंजन के डिस्प्लेसमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इंजन बेली पैन वही है जो 150 ट्विन डिस्क में आता है, स्टिकर भी वही है। तो साइड बाय साइड आप लुक ले लो, ये जो साइलेंसर आप देख रहे हो ना ये भी 150 का ही साइलेंसर है। तो बहुत भाई लोग बोलेंगे कि भाई ये 180F में भी साइलेंसर यही चीज़ है, तो भाई वैसा चीज़ नहीं है। आप देख लो सीट कॉलिंग पर, आप देख लो 150 की ब्रांडिंग स्टिकर फॉर्म में कर रखी है कंपनी ने। तो ये 150 और 180F इस दोनों में आपको यही साइलेंसर लगा के कंपनी देती है बजाज कंपनी। और ये बेसिकली ये 150 BS6 ट्विन डिस्क है। साइड बाय साइड आप लुक देख लो, देख सकते हो यहाँ पे 220 का हेडलाइट, विंडशील्ड, वाइजर, इंडिकेटर वगैरह। तो दोस्तों इसमें आशीष जी को कितना लेबर कॉस्ट आया है तो आशीष जी से हम लोग जान लेते हैं कि आशीष जी ये बताइए, इस पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 को 220 में कन्वर्ट करने में, मॉडिफाई करने में कितना एक्सपेंस, कितना कॉस्ट, कितना लेबर कॉस्ट आपका आपने लिया है कस्टमर से? अगर मेरी बात मानना जाए कि मैंने कितना पेमेंट कस्टमर से चार्ज किया पर्सनल, मेरा भी सर मेरा जो लेबर चार्ज होता है जी वो 1500 रुपये मैंने चार्ज काटा, बाकी मटेरियल उनका है, जितना ज्वाइंटिंग लगेंगे, वेल्डिंग्स लगेंगे, अगर वेल्डिंग का वायर लगा, कटिंग लगा, मटेरियल लगे, सारे कस्टमर्स को अलग से पे करना पड़ता है। मेरा 1500 रुपये में ये वाइजर लगा के फाइनल है पूरा। ओ 1500 रुपया में आप कॉस्ट मेरा ये वाइजर लगा जी, मतलब कि 1500 रुपया में कोई भी पल्सर, पुरानी पल्सर लेके आओ 1500 रुपया में 220 का फिटिंग करके मॉडिफाई करवा के आप यहाँ से सामान अवेलेबल कर रहा, तो मैं फिट कर देता हूँ मात्र 1500 रुपया में। तो भाई लोग आप लोग ने जाना कि आशीष भाई ने बता दिया कि आप कोई भी पल्सर 150 पुरानी पल्सर लेके आओ या फिर नई 150 लेके आओ या फिर 180 ओल्ड मॉडल लेके आओ, मात्र 1500 रुपये में आशीष भाई आपको 220 बना के देंगे। लेकिन ये तो रहा लेबर कॉस्ट, मैं आपको बता दिया, आशीष भाई ने बता दिया जो मटेरियल लगेगा, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी होगा, फाइबर आइटम या फिर इसका स्टे वगैरह जो आता है वो आपका है, वो आप परचेस करके लाओगे। और साइड बाय साइड आप लुक ले लो, पीछे से लुक ले लीजिए इस गाड़ी का, ये देख लीजिए कंप्लीट आपको ये 150 है। अब मैं इसका हेडलाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो हेडलाइट देखिए, ये हाई बीम, लो बीम,
देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है, पायलट लाइट वगैरह जो भी है इसका वर्क कर रहा है, कंप्लीट एकदम वर्क कर रहा है। चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फेडिंग वगैरह, हेडलाइट वगैरह और अंदर का स्टे वगैरह आप लोगे, मीटर केस वगैरह लोगे, अगर आप ओरिजिनल परचेज करते हो तो तकरीबन आपको 10 से 12 हज़ार के बीच का सामान पड़ेगा। या नहीं, अगर आप लोकल माल खरीदते हो, लोकल वाइजर, लोकल हेडलाइट, लोकल विंडशील्ड वगैरह खरीदोगे तो आपको 6 से 7 हज़ार के बीच में ये कंप्लीट पूरा सेटअप आपको आगे का मिल जाने वाला है। जो फिटिंग हुआ है, फिट एंड फिनिश की बात की जाए तो भाई इसमें कोई दोराई नहीं है। ये आशीष भाई का जो काम होता है ना मॉडिफिकेशन का, वो कंप्लीट आपको एक्यूरेट 100% आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है।